दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 15 नवंबर 2020 का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन, क्या-क्या बदलाव होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 15 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में। आज तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है विशाखा, पक्ष है कृष्ण पक्ष, दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय का समय है 6:44 में, सूर्य अस्त का समय है 5:27 में, ऋतु है हेमंत। आज का दिन काल है 10:43, 10 सेकेंड का। महीना है कार्तिक। आज के दिन शुभ समय नहीं है, अशुभ समय शुरू होता है 4:01 PM से 4:44 PM तक। राहु काल शुरू होता है 4:06 PM से 5:27 PM तक। दिशा शूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या रहता है, तो उस परेशानी में सबसे पहले आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, आपका सपोर्ट करेगा, और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने के बावजूद बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक कारोबारी है, तो आने वाले समय के दौरान आप अपने कारोबार में जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे, और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपका कामकाज बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। लेकिन अगर आपके कामकाज की बात करें, तो कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपको अपने प्रेम संबंध में किसी भी बाहरी इंसान को इंटरफेयर करने से रोकना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके प्रेम संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान आपके घर परिवार के लोग आपका साथ देंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग और भाग्य साली अंक क्या है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग है भूरा और सलेटी। आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली अंक है 9, यानी कि 9। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा।
मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपको अपने भोजन में शहद का प्रयोग करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।